नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी न्यूज पोर्टल। मैं हूं आपके साथ चरण सिंह डागोर। अभी हम हैं सूरौड़ तहसील में, जहां उप सरपंच श्याम सुंदर सैनी टंकी पर चढ़ा है। उनकी मांग है, चार सूत्री मांग है, टोल फ्री सूरौड़ और पानी, पूरा सूरौड़ का एक जगह इकट्ठा होना और एक आम रास्ता और एक कॉलेज। चार सूत्री मांगों को लेके ये उप सरपंच चिढ़ा है अपनी मांगों को लेकर। तो काफ़ी यहाँ आपको लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। काफी भीड़ इकट्ठी हुई है और मैं और पूरा प्रशासन हिंडौन का ये अपने श्याम सुंदर सैनी हैं जो अपने इसको लाइन पे ले सकते हैं क्या? श्याम सुंदर जी को क्या क्या मांगे इसको लेके आप अपना मोबाइल उठा लेगा, फोन करना इसके लिए, फोन भाई कर देना। किसी से बात चल रही है क्या? इसके लिए नहीं कर सकते आप फोन? दूसरे से भी कर दिए, तेरे नंबर से, तेरे नंबर से कर दे यार फोन। भाई साहब नंबर नहीं है हमारे पास। मैं नंबर दे रहा हूँ ना, आपने नंबर उठाया वो नहीं, कहाँ पर फोन उठा लेना। 90 24 17 70 48 अरे नहीं, वो वीडियो कॉलिंग की जरूरत नहीं है। इनसे पूछना है क्या मांगे आपको, जो आप टंकी पे चढ़े हैं। बिजी चल रहा है भाई साहब, लग रहा फोन नंबर हो, फोन नंबर तो बिजी चल रहा है। अरे उठा ले फोन, उठा ले चरण भाई की, समझ जाओ फोन उठा ले। कर 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 उठा फोन। उठा लिया है? अरे फोन उठा ले भाई। हेलो श्याम जी, क्या डिमांड है आपकी सरकार से, क्या मांगे हैं बता सकते हैं क्या आप? मेरी मांगे हैं, ध्यान पूर्वक सुना जाए। हाँ जी, हाँ जी, सूरौड़ तहसील मुख्यालय है। सूरौड़ तहसील में तहसील मुख्यालय है सूरौड़, सूरौड़ बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ की पॉपुलेशन लगभग 20 से 25 हजार है और वोटर यहाँ पे 10 से 11 हजार वोटर है। बिल्कुल बिल्कुल, और इसको ये कहते हैं कि जिले की सबसे बड़ी पंचायत भी है। बिल्कुल, और पंचायत में गाँव में है और ढानियाँ भी होती है, इसमें कोई उसमें दोराया नहीं है। कोई राजस्व काम होता है तो उसकी ढानियाँ भी होती है। तो सूरौड़ तहसील मुख्यालय से भरतपुर जिले के मदनपुर गांव को जोड़ने वाला और 30-40 अन्य गांवों को जोड़ने वाला एक रास्ता है। यस, जो ब्राह्मण आप पहले भी उसका अवलोकन उपखंडीय उपखंड स्तरीय अधिकारियों के साथ में उस रास्ते का अवलोकन आप स्वयं कर चुके हैं। तो सूरौड़ से और ब्राह्मण नंगला तक जो रास्ता हाँ, जाता वो, है, हम भी साथ में थे, एसडीओ साहब भी साथ में थे, उस दिन उनकी गाड़ी भी फंसी थी। कि आबादी का गंदा पानी उसमें संग्रहित होता है और जो उसमें गहरे गड्ढे बने हुए हैं, दोपहिया वाहन चालक, पढ़ने वाले बच्चे उठते गिरते स्कूल पहुंचते हैं, मोटरसाइकिल वाले रोजाना चोटिल होते हैं। कुछ महीने पहले एक गर्भवती महिला ने 4 माह का अपना गर्भ खो दिया था गिर करके। तो ये बड़ी विडम्बना की बात है कि इतना टुकड़ा सुन करके भी ना तो राजनेता इस बात को मानते हैं, ना सुनते हैं, ना प्रशासनिक अधिकारी सुनते हैं। दूसरी मेरी मांग है कि जो टोल धनावली में लगा हुआ है ये गैर संवैधानिक है, इसके तौर तरीकों से नहीं लगाया गया है, अवैध तरीके से ये टोल संचालन हो रहा है और RSRTC विभाग के नियम अनुसार इस टोल पर उस मुताबिक इसको यहाँ से 2 किलोमीटर दूर होना चाहिए या एक टोल से दूसरे टोल की जो सीमा सीमा तय होती है 40 किलोमीटर उस परिधि में होना चाहिए।
इसका चाइनीज जो पॉइंट था वो दादरेन का था, मगर गलत तरीके से इसको चाइनीज करके इसको बदला गया और आज इसकी सजा आम जनता सूरत भोग रही है, तो इसका तत्काल प्रभाव से टोल मुक्त किया जाए। ये मेरी दो मांग मुख्य रूप से है। चार मांगों को लेके चढ़े ना आप ऊपर, तो चारों मांगों को बताएं ना, हमारे दर्शक सुन रहे हैं। तीसरी मेरी मांग है, सूरत का एक तालाब है, उस तालाब में आबादी का पूरा गंदा पानी संग्रहित किया जाए ताकि सूरत का ड्रेनेज सिस्टम सुधारा जा सके और अच्छा भूमिगत जल स्तर को बढ़ाया जा सके। बिल्कुल। और चौथी मांग है, काफी लंबे समय से सूरत की आम जनता चाह रही है कि यहाँ की पढ़ने वाली बच्चियाँ दूर दराज हिंडौन सिटी, यहाँ से 18-20 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए जाती है, और यहाँ के सीनियर स्कूल में बच्चियों की संख्या बहुत है, पढ़ने वाले 12वीं के बाद में यहाँ पढ़ाई का कोई सोर्स नहीं है, सभी बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, जबकि ये तहसील हेडक्वार्टर है और उस मुताबिक यहाँ कॉलेज महाविद्यालय होना चाहिए, उस मांग को भी हमारी पूरी नहीं किया है, ये आप देखना और हम भी देखेंगे। ठीक ठीक, धन्यवाद। और मैं आपको लाइव तस्वीरों से माध्यम से दिखाना चाहूँगा, काफ़ी मांगे थी और चार सूत्री मांगों को लेकर ये टंकी पर चढ़े हैं और टंकी पर चढ़े अपनी, वैसे जायज मांग हैं पर एक साथ में तो चारों मांगें पूरी नहीं हो सकती, मगर सरकार और जो सरकार के नुमाइंदे हैं तो वो क्या इनको आश्वासन दे सकते हैं। और काफ़ी भीड़ है, आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से, मैं दिखा दूं आपके लिए, और प्रशासन भी एसटी साहब भी है। जैसे मैडम ये चिड़ा है तो इसमें आपका क्या कहना है? हमारा तो यही कहना है, वो पर्सनली कोई मैटर लेके नहीं चढ़े हैं, हाँ, वो पब्लिक की मांग को लेके चढ़े हुए हैं। बिल्कुल, हम ये कहते हैं पब्लिक की मांग पूरी हो और जल्द से जल्द मांग पूरी हो। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपकी सरकार है तो आपकी सरकार में आपके जो भी MLA साहब हैं तो उनसे आपने कोई वार्ता की क्या? जो आदमी अपनी खुद की मांगों को लेकर चढ़ा नहीं है, आम जन की मांग है और जायज मांग है, तो इस पे लेके आपने कोई किसी से बात की क्या? हाँ, मैंने बजलाल मंत्री जी से बात की है। अच्छा। उन्होंने कहा है कि मैं अभी बात करता हूँ और ये प्रॉब्लम को सॉल्व करवाता हूँ। अच्छा अच्छा, धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप जैसे ये हमारे उपसरपंच जी चढ़े हैं अपनी मांगों को लेके, अपनी खुद की मांगे तो है नहीं, इनकी पर्सनल मांगे, आम जन की मांग है, तो आपका क्या कहना है, बता सकते हैं क्या आप? हमारा ये कहना है, श्याम सुंदर उपसरपंच टंकी पर चढ़ा है, वो ग्राम विकास के लिए चढ़ा है। बिल्कुल, और गांव के पक्ष में उनकी जो डिमांड है वो पूरी होनी चाहिए और वो उसने कुछ गलत नहीं किया है। बिल्कुल, और वो अपने और आप लोग साथ दो, जब हम आप साथ हो क्या? हाँ, हम साथ हैं, साथ है, पूरा गांव साथ है। अच्छा, पूरा गांव साथ है। बिल्कुल, ये मांग है, जल्दी से जल्दी मानी जाए प्रशासन को, नहीं तो आगे कोई भी बात बनती है तो प्रशासन जिम्मेदार होगा। की भी समस्या है, है सर, नहीं अगर ये मांग नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन भी हो सकता है, क्योंकि हाईवे पास में ये कभी भी गांव वाले जाम कर सकते हैं इस रास्ते को। बिल्कुल, इसका जिम्मेदार प्रशासन है, इसका जिम्मेदार भी प्रशासन है। बिल्कुल, आमजन भी इसके साथ है, अपने उप सरपंच जी के साथ है आमजन, और मैं भी सरकार से एक निवेदन करना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी इनको आश्वासन दे, जिससे कि ये अपने ऊपर से नीचे उतरे और कम से कम चार पाँच बजे चढ़ा है तो काफ़ी, मतलब क्या, शरीर के लिए एनर्जी भी चाहिए। काफ़ी हाइट है इस टंकी पे,